लखीमपुर खीरी थाना मोहम्मदी की पुलिस चौकी रेहरिया क्षेत्र के अंतर्गत गोला मोहम्मदी रोड हाईवे पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में 18 दिन के बाद भी मृतक निधि यादव 16 वर्ष की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, जिस कारण भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन के माध्यम से कुछ बिंदुओं को लेकर उपजिलाधिकारी के लिए 10 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया है। वन डॉट कैमरे खराब थे तो अभी तक सही हुए या नहीं? टू घटना के पहले कैमरे खराब थे, आपने किसको अवगत कराया था कि स्कूल के कैमरे खराब हैं? थ्री डॉट घटना करीब लगभग 7:30 बजे की हुई थी, परिवार के मुखिया को 10 बजे क्यों बुलाया गया? फोर जिस दिन घटना हुई थी उस दिन गेट कीपर कौन था व उस दिन लेडीज व जेंट्स स्टाफ कितना था? फाइव डॉट रेहरिया चौकी के दो सिपाहियों पर घर जाकर धरना में न जाने को मना करने का लगा आरोप। सिक्स डॉट घटना के समय जो स्टाफ था उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। सेवन भविष्य में जेंटस अध्यापक को नहीं रखा जाए। एट मेस में महिला को रखा जाए, पुरुष को हटाया जाए। नाइन 4 सितम्बर को रात 8 o'clock बजे जो सफेद गाड़ी आई, ये मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, लेकिन अफसोस है यारो, अफसोस है यारो के लोग जुल्म वाले के साथ होते हैं, लेकिन जिसके साथ जुल्म होता है उसके नहीं कोई साथ होते हैं। ये दुख है यारो के आज तक 3 बेटियां बहुमूल्य जान दे के चली गई और क्या कोई एक अपराधी भी पकड़ा गया तो मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के कहता हूँ नाम बताएं उसका। क्या वो बेटियों की जरूरत नहीं थी? अगर यही बेटी किसी विधायक की एमएलए की यहाँ हो जाती तो मेरा ख्याल रात रात में सारा कुछ तय हो जाता कि सवेरे यहाँ क्या होगा। अफसोस है कि बंगाल के अंदर एक बेटी के साथ अपराध होता है। कार्रवाई बननी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो लड़की खत्म हुई है ये आत्महत्या नहीं है, इसको मारा गया है। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले जो 2 केस हुए थे उसको भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो तीसरा भी केस हमारी बच्ची हमारे बीच में हमें छोड़ के चली गई, इसलिए प्रशासन की भी वो बच्ची है, सभी भाइयों की भी वो बच्ची है। हमें सभी भाइयों को इस चीज का खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपराधी नहीं हैं तो हमें किसी की दबदबाव की जरूरत नहीं है। आज अगर हम संगठन के साथ खड़े हैं तो आने वाले टाइम में हमारे साथ कोई भी जबरदस्ती होती है उसके साथ हमारा संगठन ए तो जड़ 10,000 आदमी खड़ा होगा। अगर हमने कहीं चोरी की नहीं है तो हमें किसी का भय दिखाने की जरूरत नहीं है। जितने भी दोषी अंदर बैठे हैं उन दोषियों पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है, मुकदमा दर्ज हो, सारे पिछले जितने भी स्टाफ था उसको सस्पेंड होना चाहिए अभी।